दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा, एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जिसका बिजनेस आप बिना कुछ इन्वेस्ट किए चालू कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अपनी खुद की एक प्रॉपर ई कॉमर्स ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैग्स के ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बैग्स के ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरीके से बिजनेस को चालू करना है, कौन सा सबसे बढ़िया होलसेलर है जिसके साथ आप बिजनेस को चालू कर सकते हो, अपनी खुद की ब्रांड कैसे बना सकते हो, किस तरीके से बैग्स को ऑनलाइन सेल किया जाता है, सारी डिटेल्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खुद का एक बैग्स का ऑनलाइन ब्रांड स्टार्ट कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बैग्स ही क्यों। बैग्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ई कॉमर्स में प्रॉफिटेबली और सक्सेसफुली सेल किया जा सकता है, बिना लॉस के सेल किया जा सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती सेल करने में, इजीली अपनी डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट क्या है पता है, बैग्स में ना साइज़ इशू नहीं होता, बैग्स में आप हाई मार्जिन ले सकते हो। आपने देखा होगा गुची, अरमानी, ये जो बड़ी बड़ी लग्जरी कंपनीज है, इन लोग लाखों रुपये का अपना बैग्स रखते हैं। तो बैग्स में अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है तो आप अच्छी खासी मार्जिन भी रख सकते हो। बैग्स अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप प्रॉफिटेबली ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो और बढ़िया बिजनेस बना सकते हो। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी आप बैग्स को सेल करके बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। लेकिन पता है अक्सर क्या होता है, जब हमको प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है ना, तो उस प्रोडक्ट पे बिजनेस बनाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और तीन प्रॉब्लम जो बैग्स के बिजनेस में सबसे ज़्यादा आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइसिंग की। इंडिया में ऐसे बहुत कम होलसेलर्स हैं जिनसे आपको रीसेलिंग करने के लिए बहुत अच्छे रेट में प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कम प्राइजेस सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और बड़े इंपोर्टर्स के पास ही मिल पाता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉक की, क्योंकि ये जो बैग्स होते हैं इनका स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है। और अक्सर क्या होता है, जब आपका आर्टिकल बहुत अच्छा सेल होना शुरू हो जाता है तो होलसेलर के पास उसका स्टॉक खत्म हो जाता है। अब यहाँ आपको डिमांड आना शुरू हो जाती है, कस्टमर्स की ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं और होलसेलर के पास उसका स्टॉक खत्म हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बैग्स के स्पेस में अपना ब्रांड बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब क्यों, शुरू में आप जब रीसेलिंग करना शुरू करते हो तो आप दूसरी की ब्रांड का रख के सेल कर सकते हो, लेकिन जब आपको खुद का ब्रांड बनाना है तो आपको अपने ब्रांड का नाम बैग में लगवाना बहुत जरूरी होता है, जब ये आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है। और अक्सर ये जब भी पॉसिबल होता है जब आप किसी मैन्युफैक्चरर को बड़ी क्वांटिटी पे ऑर्डर दो तो, और उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो ये तीन प्रॉब्लम के कारण ज्यादातर लोग बैग्स के ऑनलाइन बिजनेस में घुस ही नहीं पाते, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि बैग्स को आखिर में कहां बेचना है। दो प्लेटफॉर्म है इंडिया में जहां पे आप लिस्टिंग करके बैग्स को इजीली सेल आउट कर सकते हो। सबसे पहला मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है मीशो। मीशो सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है और मीशो में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इजीली सेल हो जाते हैं। तो जब आप अपनी नई ब्रांड बनाते हो, उसको कोई जानता नहीं है, तो मीशो में लोग लेना इजीली शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। अब जैसे ही आपकी ब्रांड मीशो से बढ़ती है, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी जगह भी लिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो है इट्सी। इट्सी के थ्रू आप ऑनलाइन इंडिया के बाहर भी सेल कर सकते हो। ये भी एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, इस पर आप रजिस्टर करके अगर अपना बैग लिस्ट करते हो तो आप खाली इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी आप ऑर्डर्स आते हैं उसको आप रिसीव कर सकते हो और इंडिया के बाहर भी कोरियर कर सकते हो। अब ये तो तरीके हो गए शुरू करने के। जब आपको खुद की ब्रांड बनाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाओ। वेबसाइट बनाने से ही आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बनती है और वेबसाइट पर क्या होता है, सारा डेटाबेस आपका होता है, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, आप इजीली वेबसाइट पे चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो इसीलिए अपनी वेबसाइट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप खुद ही डिजिटल मार्केटिंग करके अपने आप से सेल्स जनरेट कर सको। अब अपनी किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है ये मैंने इस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। अब मैं मेन पॉइंट में आता हूँ कि ऐसा कौन सा इंपोर्टर है या होलसेलर है जिनके साथ कनेक्ट होकर आप अपने बैग्स का ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हैं। इस इंपोर्टर की ब्रांड का नाम है बैग वर्ल्ड, इनके फाउंडर का नाम है मिस्टर सौरभ। ये बेसिकली दिल्ली से हैं, पिछले 6 साल से बैग का बिजनेस कर रहे हैं। आज इनके साथ ऑल ओवर इंडिया से 6,000 से ज्यादा रीसेलर्स जुड़े हुए हैं जो इनसे बैग्स लेके अपने सोशल मीडिया पे सेल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कस्टमाइज्ड अपने खुद का ब्रांड बनाए हुए हैं इनके साथ कनेक्ट होकर। ये डायरेक्टली खुद ही चाइना से इंपोर्ट करते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। मैं किसी भी होलसेलर को अपने यूट्यूब में फीचर करने से पहले प्रॉपर वेरीफाई करता हूँ कि उनका बिजनेस सही है कि नहीं है।
हमने प्रॉपर इनके वेयर हाउस में जाके वेरिफिकेशन की है। इनके पास आपको खाली बैग्स ही नहीं, बेल्ट्स और वॉलेट्स भी मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के बैग्स इनके पास है। इनके पास आपको स्लिंग बैग्स मिल जाएंगे, टोट बैग्स मिल जाएंगे, क्लचेस मिल जाएंगे, वॉलेट्स मिल जाएंगे, साइड बैग्स मिल जाएंगे, लैपटॉप बैग्स मिल जाएंगे और इनफैक्ट अलग अलग वेरायटी के बेल्ट्स भी मिल जाएंगे। देखिए पूरा इस तरीके का इनका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। आप पूरी मशीन देख सकते हैं, इस तरीके से इनके जो बैग्स है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, कस्टम ब्रांड होते हैं, इनके खुद के नाम से भी ब्रांडिंग जो होती है वो होती है। तो इस तरीके से इनको पूरा मैन्युफैक्चर होता है। मैं आपको इनका स्टोरेज एरिया दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का इनका वेयर हाउस है, इस तरीके से पूरे बैग्स रखे जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है यहाँ पे। मैं आपको क्लोज फोकस करके ना बैग्स की क्वालिटी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एक एक बैग की कुछ इस तरीके की क्वालिटी है और ये काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी हाई क्वालिटी के बैग्स हैं। अच्छा, बैग्स भी दो क्वालिटी के आते हैं, एक लो क्वालिटी के भी आते हैं, हाई क्वालिटी के भी आते हैं। इनके पास दोनों अवेलेबल है, इंडिया में दोनों बिकते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया बेच रहे हैं या हाई टिकट क्लाइंट को बेच रहे हैं या बड़े क्लाइंट्स को बेच रहे हैं तो आप हाई क्वालिटी पे डील कीजिए। अगर आप मान लो क्वालिटी पे बेच रहे हैं तो आप लो टिकट भी बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे बैग्स लेके अपनी लोकल रिटेल दुकान में भी बेचते हैं। जब भी आपका ऑर्डर आता है तो वो कुछ इस तरीके से पैक करते हैं प्रोडक्ट को। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर यही देखता है, इसी से फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। जितना अच्छा ये प्रोडक्ट को पैक करेंगे उतना अच्छा कस्टमर को मिलेगा और कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पैक करते हैं प्रॉपर पूरे प्रोडक्ट को। अपना फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आप सभी को इनकी फोटोग्राफी दिखाता हूँ, इनका कंटेंट दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का ये फोटोग्राफी करते हैं और ये बहुत अच्छा चलता है मार्केट में। इनकी फोटोग्राफी मैं नो डाउट बोलूंगा कि बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी के हिसाब से इनके प्राइजेस काफ़ी सही है। अब पता है आपको जितना अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए ना उतनी अच्छी होलसेलर की सर्विस भी होनी चाहिए, नहीं तो आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। आप इनसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट होलसेलर से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने खुद की ब्रांड की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब अगर सपोज़ मेरे को अपनी खुद की ब्रांड बनाना है लक्षित के नाम से तो मैं अपनी कस्टम ब्रांड भी बना सकता हूँ। उसके लिए भी आप इनसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये चाइना से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सबसे कम प्राइस में आपकी खुद की ब्रांड बना के आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं। कोई भी स्टॉक इनका आउट ऑफ स्टॉक होता है तो 10 दिन के अंदर वापस इन्वेंट्री पे आ जाता है। अगर किसी भी रीसेलर को प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना है ऑर्डर प्लेस करने से पहले तो वो बेझिझक वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वीडियो कॉल करके ट्रस्ट गेन कर सकते हैं कि हाँ प्रोडक्ट दिखता कैसे है, एक्चुअल में कैसा है, और उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़े लेवल के इंपोर्टर हैं, इनके पास आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन इनके पास आपको फास्ट शिपिंग और इंटरनेशनल शिपिंग मिल जाएगी। इनके पास आपको रिटर्न और एक्सचेंज की भी सर्विस मिल जाएगी, बशर्ते आपके पास पार्सल ओपनिंग की प्रॉपर वीडियो हो तो। जब भी आप बल्क परचेजिंग करेंगे इनके साथ तो आपको ऑफर्स या डिस्काउंट मिलते रहेगा। और कुछ इस तरीके से ये अपने व्हाट्सएप पे डेली बेसिस में प्रोडक्ट अपडेट करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इनके व्हाट्सएप पे अपडेट्स आते रहते हैं। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसका प्राइस होता है। इसको सिंपली आप व्हाट्सएप पे ही रीशेयर करके रीसेल कर सकते हो या फिर आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट वगैरह पे डाल के इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अब मैं आप सभी को इनका व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ ताकि आप भी इनके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सके, इनका प्रोडक्ट ले सके, इनके रीसेलर बन सके। तो इनका व्हाट्सएप नंबर है 9716073770। इनसे कनेक्ट होके बताइएगा जरूर कि आप डायरेक्टली सोशल सेलर एकेडमी से आए हुए हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म भी दिया है, जिनको भी एक्सपर्ट रीसेलर बनना है इनका तो वो जाके अपना पूरा गूगल फॉर्म भर सकते हैं। उनको सबसे पहले होलसेलर के ही द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा। इस गूगल फॉर्म में आपको अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कुछ डालनी पड़ेगी और जो भी रीसेलर गूगल फॉर्म से आ रहा है उनको होलसेलर के द्वारा प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आप एक चीज गौर करेंगे तो इंडिया में अभी तक के खुद की लग्जरी बैग्स की कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी सामने नहीं आई है। आज भी इंडिया में जो इटालियन कंपनीज हैं उनके बैग्स ज्यादा चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है और इंडिया में मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आगे जरूर कोई ना कोई ऐसी ब्रांड आएगी जो इंडिया से बैग्स का एक लग्जरी ब्रांड लेके आएगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही मौका है जब आप अपने खुद के बैग्स का एक लग्जरी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में भी। और वहीं सौरभ जी जैसे होलसेलर्स हैं जो आपको प्रोडक्ट सोर्स करने में, प्रोडक्ट इम्पोर्ट करने पे बहुत मदद कर सकते हैं ताकि आप इजीली अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं प्रिकॉशन के तौर पे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं किसी भी होलसेलर को फीचर करता हूँ तो आपके और होलसेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है ये आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है। हम फीचर करते हैं ताकि आपको हेल्प होए, आपका कनेक्शन बिल्टअप हो। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे सौरभ जी के साथ वो आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी, हमारा यानी कि सोशल सेलर एकेडमी का इस ट्रांजेक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आप अगेन अपने पर्सनल एंगल में एक बार फिर से वेरीफाई कीजिए,
टेस्ट कीजिए प्रोडक्ट को और उसके बाद ही बड़ा ऑर्डर दीजिए ताकि आपका रिस्क ना रहे। आई होप दोस्तों आप सभी को काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। आप में से कई सारे लोग बैग्स का ऑनलाइन बिजनेस चालू भी कर पाएंगे। इसी तरीके की और भी वीडियो हमने पहले बनाई थी, सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट को रीड करूं, रिप्लाई करूं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आप सभी तक के पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।